अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि बीओएमएस करने के बाद में पैसा कितना मिलता है, इंटर्नशिप में कितना मिलता है, एमडी के बाद कितना मिलता है, एमएस के बाद कितना मिलता है, या फिर बीओएमएस डॉक्टर कमा भी पाता है या फिर सब बेरोजगार ही रहते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में, आप बने रहिए एंड तक। सो हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद अमन, सेकेंड प्रॉफ का स्टूडेंट। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो ये था कि जिस टाइम हम बीओमएस कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमको कुछ पैसा वैसा मिलता है क्या? ना मुन्ना ना, बीओमएस करते वक्त हमको कोई भी पैसा वैसा नहीं मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो सिर्फ इतना हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको पढ़ने के लिए पे कर रही होगी फी। मीन्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो फी होती है काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो तो वहाँ पे आपको पैसा भी खुद पे करना है और पढ़ना भी खुद ही है। पर वेट वेट वेट, यहाँ पे कुछ सिनेरियो आपको चेंज नहीं लग रहा? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो सब उसको भेजना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन जैसे ही कॉलेज की बारी आती है या फिर जॉब की, सबको गवर्नमेंट चाहिए। जैसे ही हमारे 4.5 साल के अकेडमिक ईयर्स मीन्स कॉलेज लाइफ फिनिश होती है, उसके बाद में आती है 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप, और ये वो टाइम होता है जिसमें हमको पैसा मिलना स्टार्ट होता है। तो वाकई में कितना पैसा मिलता है? हर गवर्नमेंट कॉलेज में अलग अलग स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग इंटर्नशिप। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा जो कॉलेज है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टॉक राजस्थान में जो सिचुएटेड है, इसमें 20,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है इंटर्नशिप में। ऐसे ही फॉर एन एग्जाम्पल, आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज जो दिल्ली करोल बाग में सिचुएटेड है, उसमें 27,000 स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप में पर मंथ। ये हाईएस्ट स्टाइपेंड है जो यूजी स्टूडेंट्स को मिलता है इन इंडिया इन यूनानी। अब हम बात करते हैं एमडी की, मीन्स डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, के एमडी में कितना मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमडी करते हैं तो आपको एवरेज सैलरी 40,000 से लेके 1,30,000 के बीच में मिलती है। जैसे आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज में सबसे ज़्यादा एमडी में स्टाइपेंड मिलता है, वो है 1,30,000। एमएस से रिगार्डिंग मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि एमएस में कितना स्टाइपेंड दिया जाता है, तो उम्मीद करते हैं जितना एमडी में मिलता होगा उतना ही स्टाइपेंड एमएस में भी मिलता होगा। अगर आप में से किसी को पता है कि एमएस में कितना स्टाइपेंड मिलता है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। क्या प्राइवेट से एमडी करने पर कुछ पैसा मिलता है? 150 रुपया देगा घंटा? कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, कुछ मेडिकल कॉलेज हैं जो स्टाइफंड देते हैं, लेकिन सिर्फ आप चाय पी सकते हो इतना देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इसमें भी प्राइवेट एमडी करने में भी आपको ही पैसा देना है और आपको ही पढ़ना है एज लाइक यूजी इन प्राइवेट कॉलेज। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जब एमडी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो क्या हम एक्सटर्नल सोर्स से पैसे कमा सकते हैं जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस? मतलब एमडी करते वक्त गवर्नमेंट तो आपको स्टाइपेंड देता ही है, तो क्या आप साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा पैसा कमाया जा सके? ज़्यादा पैसा किसको बुरा लगता है? तो देखिए, ये नियम नहीं है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये था ऑन पेपर, बट ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। लोग यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आप डॉक्टर बन चुके होते हो, लेकिन ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। पैसा ही पैसा होगा। अब बात करते हैं कि एक बीओएमएस डॉक्टर की एवरेज सैलरी कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये टोटली डिपेंड करता है आप पर कि आपके पास कितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है एंड स्किल्स है, उसके बेसिस पे आपकी अर्निंग होती है। फिर भी एज अ फ्रेशर यूनानी स्टूडेंट आपको 20,000 से 25,000 पर मंथ पे किया जाता है, एंड विद इन 2 to 3 years एक्सपीरियंस, जैसा आपके पास नॉलेज है या फिर स्किल्स है, आप 40K, 50K या फिर 60K भी कमा सकते हैं। यूनानी एक बहुत ही अच्छा मार्केट है स्पेशली फॉर द क्रॉनिक डिजीजेज। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ ट्रीटमेंट ही करना है, अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हैं तो आप 50K पर मंथ से ज़्यादा ही कमा सकते हैं। अगर आप बीओएमएस ठीक से किए नहीं और नॉलेज वॉलेज है नहीं और फिर आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो ये गलती तुम्हारी है, बीओएमएस की नहीं। क्योंकि लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा है यूनानी डॉक्टर्स 1 लाख पर मंथ से भी ज़्यादा कमाते हुए, और मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग मक्खी मारते रहते हैं और ये लोग फिर बोलेंगे कि बीओएमएस में कोई भी स्टॉक नहीं है, आप मत करिए। और ऐसे नमूने आपको बीओएमएस में भर भर के मिस बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं।
सक्सेसफुल लोगों की कोई बात नहीं करेगा, अनसक्सेसफुल लोगों को दिखा दिखा कर बोला जाएगा कि देखो मत करो, आप भी ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। ट्रीटमेंट के साथ बिजनेस एंड मार्केटिंग, सो इट्स अ किलर जॉब। तो यूनानी एक बिल्कुल खुला मैदान है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब सोचो आपको करना क्या है, क्योंकि डिग्री तो सिर्फ माध्यम है, कमाना तो आपको दिमाग से है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए यूनानी प्रो।